अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान सुबैर कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम के ऑफिस में जो कि वाक़ा है श्रीनगर में, और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज सुबह यहां पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम की ये जो इमारत है इसकी ऊपरी पोर से आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त के जो मनाजिर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये बराह रास्त यहीं से हैं, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस इमारत में जितना भी ट्रैफिक पुलिस अहलकारों से रिलेटेड या ट्रैफिक महकमे से रिलेटेड जितना भी उनका सामान था, चाहे वो फर्नीचर था या बाकी जो कागजात वगैरह थे, वो सब जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से और ख़ासकर ट्रैफिक के जो अहलकार यहाँ पे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, और बेशतर का ये कहना था कि इस दफ्तर में उनकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे ज़रूरी कागजात जो थे वो यहाँ पर रखे हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनके लिए इंतहाई ज़रूरी थी, लेकिन वो सब भी आग की नज़र हो गई हैं। आपको बताते चले नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है यहाँ पर आग से लड़ने के लिए जो हिफाजती तैयारियाँ होती हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तरह पे नहीं थी। फायर एक्सटेंशन जो हुआ करते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नस्ब नहीं किए गए थे, जिसके चलते आग ने इतनी हवा पकड़ ली और इस तरह से ये जो पूरा नुकसान यहाँ पर हुआ है उस हद तक पहुंच सका। हालांकि अगर अहलकारों का ये भी मानना है कि अगर उस नौवियत की मदद इनको पहले से ही फ्राहम की गई होती या उस तरह के इकदाम जो हैं वो इस इमारत में किए गए होते तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना होता, तो शायद ये बर वक्त कार्रवाई करके किसी हद तक इस नुकसान से बचा जा सकता था। लेकिन इस वक्त के जो मनाजिर हमने आपको दिखाए वो यही है कि इस वक्त ये इमारत पूरी तरह से जल कर खाकस्तर हो चुकी है, और साथ ही इमारत में मौजूद सारा सामान भी राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। देखिए, ऐसा है, कोई 4:10 पर हमारे स्टेट फायर कंट्रोल रूम को PCR से इतना मिली है कि SSP ट्रैफिक रूरल ऑफिस में आग लगी हुई है। तो इमीजिएटली हमने सबसे, यहाँ हमारा पड़ोस का फायर स्टेशन है MA रोड, वो 4:13 पर पहुँच गया, तो उसने आग के बारे में पूरी जानकारी दी कि आग ज़बरदस्त है। तो उसके साथ साथ हमने 8-10 स्टेशन को निकाला और 3 पोर्टेबल पम्प जहलम पर इंस्टॉल किए, और लगभग आधे घंटे में हमने पूरे आग को कंट्रोल किया है। अब देखना तो यह है, आप जैसा मुशाहदा कर रहे हैं कि इट वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बिकॉज देयर वर सो मेनी गैस सिलेंडर्स इनसाइड द बिल्डिंग, बिसाइड्स देयर वर सम अमुनेशन कोर्ट दैट हैज़ बीन सेव्ड एंड देयर इज नो थ्रेट टू एडजेसेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। एज यू नो इट इज द सेंट्रल सिटी ऑफ लाल चौक, वी हैव बीन मैनेज्ड टू कंट्रोल द फायर इन टाइम एंड फायर हैज़ बीन कंटेन्ड एंड कन्फाइंड टू द इन्वॉल्व प्रॉपर्टी। ऑन द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग देयर वॉज द पुलिस स्टेशन कोठी बाग, लॉट ऑफ वुड वर्क हैज डन इन दीज स्ट्रक्चर्स। हैड देयर बीन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेट पुलिस स्टेशन इट वुड हैव कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। इन टाइम वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द फायर। थोड़ा बहुत ये बताइए, फायर एंड सेफ्टी के मेजर्स क्या यहाँ पे लिए गए थे, क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स थे यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ था अंदर से? नो, अर्लियर आई हैव मायसेल्फ कंडक्टेड द फायर ऑडिट ऑफ दिस बिल्डिंग एंड वी हैव गिव आवर रिकमेंडेशंस। दिस हैव नॉट सो फार बीन इंप्लीमेंटेड बट इट टेक सम टाइम, वी हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड द प्रपोजल टू द हेड ऑफिस एंड दैट हैज नॉट बीन क्लियर सो फार। There has been instructions to hire fire and emergency services for fire auditing of the other buildings, installations and vital installations, and we are on job. So many for the last 3 years I have conducted 4,000 fire audits of different buildings, houseboats, guest houses and other structures, but the work is going on. Our pure purpose is that fire recommendation must be involved so that the छोटे छोटे जो फायर हुआ करते हैं दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई देमसेल्व्स ओनली विद द एड ऑफ फर्स्ट एड। अनलेस एंड अंटिल फर्स्ट एड इज इंस्टॉल्ड एंड द पीपल आर ट्रेन्ड इट विल कॉज ट्रेमेंडस डैमेज। श्रीनगर से जीके वेब टीवी के लिए मैं जुबैर कुरैशी, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी, हमारे साथ बने रही है।